हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे आईसीआर एग्ज़ाम के बारे में। ये आईसीआर एग्ज़ाम किस कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए होता है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कोर्सेज के अंदर कौन कौन से आते हैं, और हम डिफरेंस सीट्स के बारे में बात करेंगे और सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो बन रही इस वीडियो में, अगर आप चाहते हैं कि आईसीआर एग्ज़ाम को क्रैक करना, तो इसमें स्ट्रैटेजी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आईसीआर है क्या। आईसीआर का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है। और इसमें आईसीआर AIEE एक एग्ज़ाम होता है। AIEE का जो फुल फॉर्म है, ऑल इंडिया इंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन। आई होप इतना आप समझ गए। इसके अंतर्गत जो कोर्सेज होते हैं जिसके लिए आपका ये इंट्रेंस टेस्ट होता है एडमिशन के लिए, उसमें होता है BSc ऑनर्स इन एग्रीकल्चर, BSc ऑनर्स इन हॉर्टिकल्चर, BFSC ऑनर्स ने फिशरी एंड BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस, और BTech इन डेयरी टेक्नोलॉजी, BTech इन फूड टेक्नोलॉजी, और BTech इन बायोटेक्नोलॉजी। ये सारे कोर्सेज के लिए ये एंट्रेंस होता है। अब बात करते हैं आईसीआर AIEE 2020 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन डेट क्या है। इसका जो आपका स्टार्टिंग डेट है अप्लीकेशन फॉर्म का, वो 1 मार्च से जो कि स्टार्ट हो चुका है। जिसका जो लास्ट डेट है फॉर्म का, वो 15 मई है। 15 मई जो एक्सटेंड किया गया ड्यू टू लॉकडाउन, ठीक है। और जो इसका एडमिट कार्ड है आपका मई में आएगा। एग्ज़ाम डेट 1 जून है और काउंसलिंग जुलाई में होगी। जो एग्ज़ाम डेट आपका और एडमिट कार्ड का दो डेट है, ये डेटें चेंज भी हो सकती हैं ड्यू टू COVID-19, ठीक है। अभी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आए तो सबसे पहले आपको पता चले, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, आगे आपका हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले बात करते हैं कि नेशनैलिटी क्या होनी चाहिए। कैंडिडेट मस्ट बी इंडियन, ही इंडियन होना चाहिए। आधार कार्ड के बारे में क्या कहा गया है, कंपलसरी, यानी आधार कार्ड कंपलसरी है एक्सेप्ट फॉर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट स्टूडेंट, आसाम एंड मेघालय स्टेट स्टूडेंट्स। और एज के बारे में क्या कहा, एज आपका 31 अगस्त 2020 को 16 साल होना चाहिए, यानी 16 ईयर्स ऑन 31 अगस्त 2020। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ 50% मार्क्स फॉर जनरल एंड ओबीसी। अगर आप जनरल या फिर ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए 12th में। अगर आप ST/ST से बिलोंग करते हैं तो आपके 40% मार्क्स होने चाहिए 12th में। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न का क्या है। एग्जाम पैटर्न में हम बेसिकली जो हम डिस्कस कर रहे हैं यूजी का डिस्कस कर रहे हैं, यानी अंडर ग्रेजुएट का जितने भी कोर्स हैं उसका हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एग्जाम पैटर्न भी उसका ही बात करेंगे। जो आपका एग्जामिनेशन मोड है वो ऑनलाइन मोड है। आपका सब्जेक्ट 3 ग्रुप होते हैं। अगर आप PCM से हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आपको मिलेगा पेपर में। अगर आप PCB से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिलेगा, या फिर आप PCA से यानी फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर आपको मिलेगा। इसमें एक चीज़ यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप PCM से हैं तो आप PCA के कैटेगरी को चूज़ नहीं कर सकते हैं। यानी आप PCM से हैं तो आपको PCM के क्वेश्चन को ही सॉल्व करना पड़ेगा, एग्जाम में उसको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। टाइम ड्यूरेशन जो है आपका 2.5 घंटा है। लैंग्वेज जो क्वेश्चन पेपर का होगा वो हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज होगा। टोटल नंबर जो है आपका 600 का है। मार्किंग स्कीम में फॉर राइट आंसर +4 मार्क्स मिलेंगे और फॉर रॉन्ग आंसर -1, यानी एक सही होगा 4 नंबर मिलेंगे, एक गलत होगा तो -1 आपका डिडक्ट हो जाएंगे। आप ये चीज़ समझिए कि जो एग्ज़ाम का लेवल है, इस एग्ज़ाम का लेवल जो है आपका यही के लेवल के इक्वल होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन के 4 नंबर मिल रहे हैं। यानी जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 4 नंबर के लायक होगा भी। तो आई होप इसको आप समझिए, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से कोर्स के लिए कितनी सीटें हैं और कौन कौन से यूनिवर्सिटी में कितनी सीटें हैं, और रिजर्वेशन के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हैं इसी तरह की वीडियोस को आप सबको आपके पास सबसे पहले पहुंचे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और कॉमेंट भी करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो।